Welcome to my channel. Today I'll welcome you all with the most beautiful flower of winter, which I think is a queen and famously known as petunia. किसी को भी देखा होगा अगर ठंड के मौसम में कोई फ्लावर लगाता है और उसे नहीं आता कि किस तरह से प्लांट ग्रो करना है या किस तरह से उसे बचाना है, तो वो बस आंख बंद करके एक ही प्लांट का नाम जो है पेटूनिया, जो फ्लावर करता है अलग अलग कलर्स। इसके वैरायटी कलर्स हैं ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, येलो, जो तरह का कलर आप मांगेगा उस तरह के कलर की ये ग्रो करते हैं। इस तरह से रेड, जिसमें व्हाइट की टिंच हो, व्हाइट तक ग्रो करती है। तो सारे कलर जो भी आपको चाहिए वो आपको पेटूनिया में जरूर मिलेगा। और खास बात इस प्लांट का ये है कि आपको केयर ज्यादा नहीं लेना पड़ता। केयर का मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केयर ना करें, केयर का मतलब है मिनिमम केयर लेना। इसमें ज्यादा खास इसको ध्यान नहीं भी दे तो भी ये फ्लावर करेगा, बट कुछ चीजें है जो भी टिप पॉइंट्स है और उसे आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए और उसे एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए। तो ये इतना हर पूरे विंटर ये इस तरह से सुंदर तरीके से फ्लावर करते रहेगा और बहुत ही एक एस्थेटिक व्यू देगा, जो कि फैला हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हो कि इस तरह से पूरा पिस फैल गया है इधर से और इसके रैंडम बल्क में ग्रो हो रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भर गया है। और हम मैं बता दूं कि मैंने ज्यादा इस पर मेहनत भी नहीं किया है। तो अगर आप इसको ध्यान देना चाहते हैं तो इसे आप सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जो कि मेहनत करेगा बट सीड के थ्रू आप इसे ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को। और दूसरा वे जो है वो इसको नर्सरी से ला। अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इसे आप ये कर सकते हैं कि इसे ग्रो करने के लिए, और इसे सनलाइट बहुत पसंद है तो इसे सनलाइट दे तो ये तो फैलने लगेगा और ग्रो करने लगेगा। पानी भी इसे पसंद है बट बहुत ज्यादा अमाउंट में मत दे दीजिएगा। बट हाँ, इसके सॉइल का ध्यान दीजिएगा कि इसमें गार्डनिंग सॉइल थोड़ा कंपोस्ट और सॉइल, इसमें थोड़े सैंड और जो मिनिमम इस पे सॉइल है उसे अच्छे से ग्रो करें। हाँ, इसमें फंगल अटैक्स भी हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान दें कि इसके पानी इसमें क्लॉग ना हो, रनिंग वाटर हो और नीचे छेद जरूर करें पॉट के, ताकि पानी अगर एक्सेस हो भी जाए, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है प्लांट, तो वो अपने आप ही फ्लो अप कर जाए। इसके जो खास चीज है जो इसके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसे थोड़ी सनलाइट की तरफ आप रख दे, और हाँ, जिस तरफ से इसे सनलाइट मिलने स्टार्ट हो जाएगा वो उसी तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर। तो फिर अगर आप देख रहे हो कि इधर ग्रो कर रहा है और अपोजिट साइड में ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप इसको टर्न भी कर सकते हो, तो फिर ये इधर भी ग्रो करने लगे और ये पूरा चार्मिंग सर्कल बना देगा। एक और चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर पुराना इस तरह से हो चुका है तो इसे आप फेंक दें। इस तरह से इसका ये होगा कि ये आराम से ग्रो करना स्टार्ट कर से जाता है वो उस जगह पे, और ये पुराने पुराने अच्छे भी नहीं दिखते, तो फिर आप इस तरह से थ्रो कर सकते हैं। इसके अगर और ध्यान देना है, उसकी फ्लावरिंग इंक्रीज करनी है, तो थोड़ी इस पे फर्टिलाइजर भी थोड़ी मिनिमम अमाउंट पे डाल सकते हो। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत फ्लावर करता है, इसमें कुछ खास डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सनलाइट और थोड़ा सा वाटर। आई थिंक थोड़ी ज्यादा सनलाइट और थोड़ी सी वाटर ही इसके लिए काफी होती है और बेयर मिनिमम होती है। विंटर के लिए सबसे अच्छी प्लांट है पेटूनिया। अगर नाम नहीं याद रहा तो नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं पे भी जाके आप इसको देखेंगे या नोटिस करेंगे तो इसको जरूर कर लाइए। इसका संकोच मत कीजिए कि हाँ ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बेयर मिनिमम एंड इजीएस्ट प्लांट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।